vaccination of dairy animals, like humans, cattle to suffer from a number of infectious diseases. Preventing disease is cheaper than treating them. Therefore, an animal needs to be administered timely vaccination as to check the occurrence of neighboring disease, including foot and mouth diseases, septicemia, हमारी septicemia है, तो black quarters है, तो उनसे बचने के लिए हमें उनको वैक्सीन जरूरी देना चाहिए. तो ह्यूमंस की तरह मतलब जो डेयरी एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं, तो ये एक रूल है कि प्रिवेंशन और बेटर देन क्योर, तो दवाई से बेहतर एहतियात है. तो इसी तरह हमें इन एनिमल्स को वैक्सीन देनी चाहिए ताकि जो बीमारी जो इन्फेक्शन स्प्रेड होती है एनिमल्स में, ये उनसे बच जाएंगे, जिनकी वजह से जो डेयरी फार्मर होता है वो हैवी लॉस से बच सकते हैं. तो ये वैक्सीन क्या होता है, जो वैक्सीन है ये यूज़ किया जाता है एनिमल्स को बचने के लिए फ्रॉम एनिमल डिजीजेस इन्फेक्शन. इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेस. इट्स अ मेडिसिन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू एन एनिमल ऑफ ह्यूमन टू कॉम्बैट सर्टन इन्फेक्शन डिजीजेस एंड डिजीज कॉज्ड बाय जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये मेडिसिन है जो प्रोवाइड करता है, जो मतलब प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी को उस एक डेयरी एनिमल के, ताकि वो बच सके किससे, बीमारी से, इन्फेक्शन से जो कॉज होता है वेरियस पैथोजन से या वायरस से या बैक्टीरिया से. तो इट कंटेन्स ए हार्मलेस पार्ट ऑफ जोम और एडेक्टिव टॉक्सिन दैट द जोम प्रोड्यूसेस. तो ये क्या होता है, ये होता है इनएक्टिव जोम और किलर जोम, दो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में ताकि ये इन प्रोड्यूस एक्टिवेट होता है, ताकि जो भी जोम बाहर से आता है इन्फेक्शन कॉज करता है ये उससे लड़ सकता है. तो ए वैक्सीन मस्ट प्रोड्यूस ए रेजिस्टेंस टू द होस्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीजेस एंड मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस टू द फार्मर ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट. एंड अ थंब रूल, वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ओनली टू हेल्दी एनिमल्स. तो क्या ये वैक्सीन क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है एक हर्ड. हर्ड क्या होता है, हर्ड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो लाइक एप्पल स्कूल ऑफ फिशेस होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते हैं, मतलब इसी तरह ये हर्ड होता है कि ये उसको बचाता है इस एक एनिमल को किससे, हैवी मतलब इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से मतलब एक फार्मर बच जाता है हैवी लॉस से. लेकिन एक थंब रूल है, वैक्सीन किन में दिया जाता है, हेल्दी एनिमल्स में, यानी कि जो एनिमल बीमार है तो उनमें वैक्सीन नहीं दिए जाते. तो शेड्यूल क्या होता है वैक्सीनेशन का, तो तीन चीज़ें होती है, अप्रोप्रिएट स्टोरेज, डोजेज एंड टाइमिंग. तीन चीज़ें होता है, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए इन वैक्सीन्स को, ताकि ये एनिमल बच जाए इन्फेक्शन से या वेरियस डिजीजेस से. तो ए वैक्सीन इंक्लूड्स, तो ये होता है प्राइमरी वैक्सीनेशन, बूस्टर वैक्सीनेशन एंड रिवैक्सीनेशन. तो तीन टाइप्स के होते हैं ये वैक्सीनेशन, किया जाता है कि प्राइमरी, बूस्टर एंड रिवैक्सीनेशन. जो बूस्टर एंड प्राइमरी रिवैक्सीनेशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है मेंटेन द इम्यून सिस्टम. तो ये मतलब दिया जाता है टू इम्यून सिस्टम, उसको मेंटेन रखने के लिए. मेजर डिजीज है जिनके लिए रिक्वायर है वैक्सीनेशन के, फुट एंड माउथ डिजीज है, ब्लैक क्वार्टर है, हेमरेजिक सेप्टिसिमा है, एंथ्रेक्स है, ब्रुसेलोसिस है. जो वैक्सीनेशन रिकमेंड किया जाता है इन डिजीज के लिए, काउज और बफेलस के लिए, तो वो हम आगे वाले पढ़ेंगे. तो लाइक है फुट एंड माउथ वैक्सीन है, जो जिसकी प्राइमरी वैक्सीनेशन दिया जाता है 6 to 8 weeks है, बूस्टर 6 months एंड आफ्टर द डोज एंड रिवर्स एनुअली साल ब साल. तो हेमरेजिक सेप्टिसिमा वैक्सीन है वो 6 months एंड अबो है, दो 6 months के बाद दिया जाता है या 6 months में दिया जाता है, तो रिक्वायर नहीं है बूस्टर. और रिवैक्सीनेशन जो होते हैं साल ब साल दिया जाता है. फिर ब्रुसेलोसिस वैक्सीन है वो 4 months से लेकर 10 months तक दिया जाता है फीमेल काफ में, तो बूस्टर रिक्वायर नहीं है. तो गिवन वंस इन ए लाइफ टाइम, तो रिवैक्सीन उसको ज़िंदगी में एक बार दिया जाता है. जो ब्लैक क्वार्टर है वो 6 months के बाद या 6 months में दिया जाता है, तो बूस्टर रिक्वायर नहीं है, तो साल भर दिया जाता है. तो इसी तरह जो एंथ्रेक्स वैक्सीन है ये 6 months में दिया जाता है या 6 months के बाद दिया जाता है, तो बूस्टर रिक्वायर नहीं होती है. जो एनुअली एंडेमिक एरियाज, तो साल बसार दिया जाए जहाँ पर एंडेमिक हो गए डिजीजेस. तो प्रिकॉशंस क्या है जूनियर वैक्सीनेशन के, पहला है
A vaccine must be administered through the subcutaneous, intradermal and intramuscular route. तो जो वैक्सीन दिया जाता है ये दिया जाता है क्या क्या, सबक्यूटेनियस स्किन के या इंट्राडर्मल स्किन में या इंट्रामस्कुलर या मसल्स में दिया जाता है. तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एज रिगार्ड्स टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन आर प्रिस्क्राइब्ड द मैन्युफैक्चरर व्हिच यूज टू फॉलो स्ट्रिक्टली. इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली इट मे रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ द वैक्सीन एंड डिजीज मे परसिस्ट इन द एनिमल्स कॉजिंग सेवर ऑर्गन डैमेज एंड इवन डेथ. तो जो ये वैक्सीन अगर हम प्रॉपरली उसको डोज नहीं किया जाता है, प्रॉपरली उसको मतलब इंजेक्ट नहीं किया जाता है, तो जो बीमारियाँ होती हैं वो डायरेक्ट इन्फेक्ट करता है. तो बीमारियाँ तो इन्फेक्ट करेंगे, जब वैक्सीन नहीं हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये इन्फेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गन्स लॉस होते हैं एवं उसकी फिर डेथ होती है एनिमल की. नंबर सेकंड, डू नॉट क्लीन द स्किन ऑफ द एनिमल विद एन अल्कोहल स्वैब और प्रायर टू वैक्सीनेशन. अल्कोहल कैन इनएक्टिव मॉर्गनिज्म प्रेजेंट इन द वैक्सीन. तो इस एनिमल को इस जगह मतलब रब या साफ नहीं किया जाता किसी एनिमल अल्कोहल से. तो अल्कोहल क्या होता है, ये इस वैक्सीन को इनएक्टिव करता है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन फिर काम नहीं कर पा रहा है इन डेयरी एनिमल के बॉडी में. नंबर क्लीन वैक्सीन स्पैलेजेस ऑन एनिमल्स बॉडी और ए टेबल और ए फ्लोर इमीडिएटली विद अ डिसइंफेक्टेंट एज मोस्ट वैक्सीन यूज्ड टू फॉर्म एनिमल्स और इन्फेक्शंस और लीव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. तो जो क्लीन वैक्सीन से पहले जो वैक्सीन जो क्लीन है वो साफ होनी चाहिए, ताकि जो बीमारियाँ हैं जो जो इन्फेक्शंस हैं वायरस हैं बैक्टीरियाज हैं मैग्नेजम है, वो इनको मतलब इन्फेक्ट जल्दी करता है, जिसकी वजह से फिर वो इंजेक्ट होता है डेयरी एनिमल्स में, जो फिर बीमार पड़ जाते हैं प्रोड्यूस करते हैं. इफ द वैक्सीन स्प्रेस इनटू द एनिमल हेल्थ वर्कर क्लॉथिंग देन वन मस्ट चेंज वन क्लॉथ इमीडिएटली एंड वॉश देम विद डिटर्जेंट एंड वाटर. तो अगर हम वैक्सीन तो करने के बाद वो क्लॉथ निकालने चाहिए तो धोना चाहिए उसको फिर से वो आप पानी से. इफ द स्पैलेज इज नॉट क्लीनड इमीडिएटली इट मे कॉज इलनेस इन एनिमल्स एंड लीड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीज. तो जो मतलब सिरिंज होती है जिसे हम वैक्सीन दिया जाता है तो उसको धोना चाहिए पानी में एक के बाद एक, ताकि मतलब जो मतलब डिजीज़ होते हैं इन्फेक्शन होते हैं वो कॉज करते हैं एनिमल्स में. इफ़ एनिमल शोज लोकल और सिस्टमेटिक रिएक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन नीड्स अ डॉक्यूमेंट फॉर सब्सिक्वेंट पोस्ट वैक्सीनेशन. तो अगर एनिमल कोई लोकल सिस्टमेटिक कोई एलर्जी देखेंगे कोई कुछ भी हो देखा तो उसको डॉक्यूमेंट लिखे रिटर्न किया जाता है, ताकि बूस्ट वैक्सीन के लिए तो उसको मतलब रखना चाहता है कि देंगे या नहीं देंगे. इफ द एनिमल हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू वैक्सीन देन सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्टर्ड ओनली अंडर वेटरनरी सस्पेंशन. इन सच केसेस चेंज द वैक्सीन एंड मेडिकेशंस विद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इज कम. मतलब अगर कई वैक्सीन देने के बाद कोई एनिमल स्वेलिंग होता था, किसी को एलर्जी होती थी, तो उसको फिर उसी के मुताबिक वैक्सीन दिया जाता है देंगे या नहीं देंगे, ताकि ये रिएक्शन नहीं दिखाएगी. वैक्सीन मस्ट अवॉइड इन केस ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और लास्ट मंथ प्रेगनेंसी. तो वैक्सीन हमें अवॉइड करनी चाहिए कब, जब मतलब कुछ कंडीशंस होंगी, लाइक मतलब अगर किसी जानवर में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होगी मतलब उसको न्यूट्रिशन डाइट बराबर नहीं मिलता होगा, या प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ फॉर एग्जांपल अगले मंथ प्रेगनेंसी होने वाली है डिलीवरी होने वाली, तो उसको लास्ट मंथ वैक्सीन डोज नहीं दिया जाता है. डॉक्यूमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट द लीगल प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस इट ऑल्सो हेल्प्स मॉनिटर एडवर्स रिएक्शंस इन द एनिमल्स आफ्टर वैक्सीनेशन. तो जो डॉक्यूमेंटेशन है मतलब लिखने डॉक्यूमेंट वैक्सीन लिखने के बाद वहाँ प्रूफ होता है कि हमने ये मतलब वैक्सीनेशन की है एनिमल्स में, तो फिर उसके और साथ में ये मतलब रिएक्शन पता चलता है कि इस एनिमल की क्या रिएक्शन है आफ्टर द वैक्सीनेशन. तो दीज आर द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन.